जय हिंद दोस्तों वेलकम है आप सभी का विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर में आज है दो सितंबर 2021 और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं फाइव क्वेश्चन फाइव मिनट की वीडियो आपके लिए रहेगी हिमाचल पुलिस फॉरेस्ट गार्ड और आने वाले सभी हिमाचल्स के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा सो आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा हिमाचल प्रदेश में कब से शुरू होगी तो आपको पता ही है 25 जनवरी 1971 को हमारा हिमाचल प्रदेश बना था और 2021 में हमारे हिमाचल ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं बने हुए तो इसके रिगार्डिंग जो है वो 25 जनवरी 2021 को स्वर्ण जयंती समारोह भी मनाया गया था तो उसी के साथ साथ अभी जो है दो अक्टूबर को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू होने वाली है और इसको जो स्टार्ट करेंगे वो हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सेब की घटती कीमतों पर आंदोलन किया है बाइल क्वेश्चन आपके लिए है तो सेब की घटती कीमतों पर आंदोलन हुआ है हिमाचल प्रदेश में और ये आंदोलन किया है राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राकेश टिकैत जी ने तो आपको ये नाम भी ध्यान में रखना है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो कुछ समय पहले जो भी किसान आंदोलन हुआ था तो उनके ये अध्यक्ष थे और अब जो हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं किसान यूनियन के तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सोलन में जो है वो इन्होंने आंदोलन किया था और किसानों की बात करें तो किसानों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री कौन हैं तो उनका नाम है बीरेंद्र कंवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेंटर के ये केंद्रीय किसान मंत्री कौन है या कृषि मंत्री कौन है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेक्स्ट वन है उत्तरी भारत में कहाँ पर पहली बार मरीज को बिना बेहोश किए गए ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया तो ऐसा पहली बार हुआ है हिमाचल में और साथ में उत्तरी भारत में द इंडिया नॉर्थन इंडिया वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन टू ब्रेन ट्यूमर विदाउट सिडेशन टू द पेशेंट उसको बिना बेहोश किए गए पहली बार जो है वो पूरे उत्तरी भारत में एक सफल ऑपरेशन किया गया है और ये किया गया है आईजीएमसी शिमला जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है और आईजीएमसी की बात करें तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है ये हिमाचल का सबसे पुराना मेडिकल इंस्टीट्यूट है आपको कमेंट में बताना है कि ये कब बना था इसकी जो नींव रखी गई थी आईजीएमसी शिमला की वो कब रखी गई थी और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने दोपहिया वाहन पर डबल हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है ये किस अधिनियम के तहत है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए एच uh, आर टी सी एग्ज़ाम के लिए या जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए बनता है अभी हाल ही में एक या दो दिन पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भी हमारे टू व्हीकल्स हैं उन पर डबल हेलमेट पहना अनिवार्य किया है मतलब कि जो आगे बैठेगा उसके साथ साथ जो व्यक्ति दुपहिया वाहन में पीछे बैठेगा उसको भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है कंपलसरी है तो ये किस अधिनियम के तहत आता है किस एक्ट के तहत आता है तो यह आता है मोटर वाहन अधिनियम उन्नीस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अगर डल डबल हेलमेट जो है वो अगर नहीं पहना है किसी ने तो उसको जो है वो चालान भरना पड़ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को किस पौधे पर शोध करने की मंजूरी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थान द्वारा दी गई है तो भांग के पौधे को जो है वो मंजूरी दे दी गई है इसके शोध के लिए इसकी रिसर्च के लिए सेंटर ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि हमारा एक सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आता है तो उसने भांग के पौधे को जो है वो आ, रिसर्च करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है और भांग की बात करें तो इस ये जो है ये एक एक प्रकार की औषधि है जो कि अथर्वेद में भी काफ़ी इसके बारे में बताया गया है और इससे जो है वो गले का कैंसर जो है वो भी ठीक होता है लेकिन ये जो है एज़ अ मेडिसिन के रूप में जो है वो लिया जाता है नेक्स्ट वन है एक आपके लिए इम्पोर्टेंट डे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो सितंबर को जो है वो कोकोनट डे मनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए डे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया एग्ज़ाम या हिमाचल एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं आपको इसकी थीम भी ज़रूर याद रखनी है जो कि कोविड नाइन्टीन के तहत जो है वो एक बनाई गई है तो दो सितंबर को बर्ड कोकोनट डे मनाया जाता है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत